नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आपकी आवाज़ थाना साइबर क्राइम पुलिस एवं स्वॉट सर्विलांस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड से प्राप्त 1,64,000 रुपये, 48 मोबाइल फोन एवं भारी मात्रा में अन्य प्रपत्रों की बरामदगी किए जाने व 3,90,000 रुपये खाते में फ्रीज कराए जाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर की 22 अगस्त को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जो बैंक मैनेजर की तरफ से कराया गया था। इसमें 9,84,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था, तो RTGS कराए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें साइबर थाने की टीम और स्वाट टीम दोनों ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करते हुए उस घटना का अनावरण किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन लोगों ने ही विवेक चौधरी बनके जो है क्या हुंडई के शोरूम में वो बनके बैंक से पहले बात की, उनको ये कहा कि हम 3 करोड़ की एफडी आपके यहाँ कराएंगे। उसके बाद एक मेल किया जिसमें बताया कि हमें तुरंत ही पैसे की ज़रूरत है, 2 RTGS कराने हैं। बैंक ने 9,84,000 के 2 RTGS इनको कर दिए। ये दोनों अभी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1,64,000 कैश मिला है। 3 लाख रुपए इन्होंने उसकी ज्वेलरी खरीदी थी, उसको मुथूट फाइनेंस पर गिरवी रख के लोन लिया है। बाकी 3,84,000 रुपये बैंक में फ्रीज कराए गए हैं। इनके कब्जे से बहुत सारे आधार कार्ड, सिम, 48 मोबाइल्स ये सब मिले हैं। इन मोबाइल, सिम, आधार कार्ड इन सबका प्रयोग है फर्जी सिम लेने में और फ़ोन से बात करके, जैसे इस घटना में फ़ोन इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करने वाले उसको तोड़ दिया था। ये गिरफ्तार किए गए। इनका भी एक साथी और है, उसकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुथूट फाइनेंस पर उन्होंने जो ज्वेलरी लोन पर रखी है उसकी भी रिकवरी करने के लिए लिखापढ़ी में कार्रवाई की जाएगी।